वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू, लड़की ने मारा खेच के थप्पड़, बोले फिर से कहिए, बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों। वो अभी मुझे एक मेरा दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह जले हुए उसके। मैंने कहा होठ कैसे जल गए, बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया, मां उसे देखा लुगाई बड़ी सुथरी, भाई ब्याह के बाद ही देख सकता जी हमारे यहां तो, क्या बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारों की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है भाई, उसे पता है ब्याह का घर है, हां वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा, लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में, तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। कसी साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ किस जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी, कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका, लेकिन उसकी मस्ती देखिए साहब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ किस जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। वो बाप ने बेटे से पूछा भी तेरा रिजल्ट क्या रहा, बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं, बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं, अरे बोले वही तो बता रहा हूं तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है। वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था, बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापिस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा, तो छोरा बोला रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। वो क्लास में गुरुजी ऋषि वाला रे लिखना सिखा रहे थे, ऋषि वाला रे बड़ा मुश्किल है जी, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता, इनमें से भी कईयों को नहीं आता होगा। 3 दिन उन्होंने कोशिश की, चौथे दिन उन्होंने एक बच्चे से कहा बोले लिख ब्लैक बोर्ड पे ऋषि। अब बच्चा ब्लैक बोर्ड देखे, गुरुजी को देखे, चाक देखे, जमीन देखे, हे बोले गुरुजी बाबा जी लिख दूं। ऐसी है जी वो, एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जाग गए है, तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है, बोले जागू हूं, बोले जाग गए तो खोल दे।